रंजना जी को देखने के लिए ये लोग पहुंच चुके हैं। ये भी एक यूट्यूबर है, बड़ी यूट्यूबर है। आपको आपका चैनल का नाम क्या है? देखिए देखिए देखिए, रंजना जी के साथ इतने लोग जुड़ गए हैं देखने के लिए। रंजना जी कैसी लगी आप लोगों को? रंजना जी का व्यवहार कैसा लगा? लेकिन बच्चा पैदा करने वाला पूरा मामला नहीं बताई। रंजना जी, इस समय आप नाराज कर रही हैं और हमारी पूरी देश की जनता देख रही है, आपसे नाराज हो रही है। थोड़ा सा बता दीजिए शॉर्ट में। क्या बता दें यार, सब कोई पूछने खड़े हैं, उनके जैसे खूबसूरत से प्यारे हैं। लेकिन कुछ लोग के मन में ये सवाल होता है, कहते हैं लोग कि जो साइंटिस्ट है आज के डेट में, जो वैज्ञानिक रूप है, कहीं ना कहीं उनका अगर सहयोग रहा तो बच्चे भी पैदा आप लोग कर। हाँ, हो जाता है। देखिए, उसके लिए ट्रांसप्लांट सर्जरी करवाना पड़ता है। एक बच्चा पैदा हो जाएगा, वो भी ऑपरेशन से। इसमें बहुत निर्गत होती है, तो कौन अपने जान का मतलब उले, इसीलिए हम लोग नहीं करते हैं। अभी आपकी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें आपने साफ साफ कहा है कि जब शादी वगैरह होती है, हम शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो इस तरह की उसकी गाइडलाइन क्या होती है, कैसे क्या करते हैं आप लोग? इतना मना ही खड़ा के बताए। हाँ बिल्कुल, मना ही नहीं, पूरा देश देख रहा है जी, बताना पड़ेगा। रंजना जी इधर देखिए, भागने नहीं देंगे आपको, इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। देंगे, भागना नहीं है, सवाल देना का, सवालवा का जवाब दे के भागिएगा। कैसे शारीरिक संबंध बनाती हैं, कैसे बच्चा पैदा करती है? देखिए भैया, हमारे कैमरामैन फोकस करिए इनके ऊपर। एक दो सवाल कर लेंगे रंजना जी। कुछ लोगों के मन में कमेंट चलता है, जैसे हम तो इंसान होते हैं, आप लोग की शादी होती है या नहीं होती है, बहुत लोग जानना चाहते हैं। बता दीजिए, हम लोग की शादी होती है। होती है ना, जो अच्छा लड़का मिल जाए, अच्छा हम लोग का ख्याल रखे, उसके साथ पूरा जीवन यापन कर सकते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर शादी आप लोग कर भी लेती हैं तो फिर जो पति और पत्नी का जो रूल होता है वो आप लोग करते हो, या फिर बच्चा पैदा कर सकते हो या नहीं कर सकते हो आप लोग, ये बताएंगे, बता दीजिए आप। रंजना जी, आप देखिए, बच्चा हम ही नहीं, बच्चा कोई भी किन्नर नहीं पैदा कर पाएगी। रही बात शादी होती है, तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा, ऐसे गाओगे ना कुल तो हाँ खिचड़े समझी। अगर न मिले ऐसे, अगर न होते इस जीवन में, लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा हमारा, जन्म जन्म का साथ। जानना चाहते हैं कि लोग, जानना चाहते हैं लोग, अपना जाने हम लोग का ना जाने, हम लोग ही जड़े हैं। हम लोग एक शांतिप्रिय जीव हैं, हम ना ही किसी को परेशान करते हैं, वीडियो बनाते हैं, मेहनत करके कमाते खाते हैं, प्रोग्राम करते हैं ना बहन जी। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मरीना एबाकर, इनके साथ मिले फर्स्ट टाइम, रंजना जी के साथ बहुत अच्छा लगा। ये होता है प्यार। देखे कहते हैं ना, तमाम इंसानों में झगड़ा हो जाएगा, पर हम किन्नरों में कभी झगड़ा नहीं, झगड़ा नहीं होता। और अगर हम किन्नरों में झगड़ा होगा भी तो हम दोनों आपस में सलाह सलाह कर लेते हैं। बाहरी कोई देखता है तो पूरे किन्नर एक साथ हो जाते हैं। गाना है जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, अभी गाना में मिल गई हैं रंजना जी और किन्नर समाज के कुछ अच्छे इंसान जो हमारे बीच आज मौजूद हैं। बड़ा अच्छा लगेगा, होगी जोरों शोरों से बात, करेंगे कुछ सवाल। आज है हमारे साथ रंजना जी, बहुत बहुत स्वागत है रंजना जी। पहले तानी धीरे से बोला, इतना नटाई फार की बोल चार मना और यहीं जाम कर लही तब। क्यों कमो सुनेला? तेज का ना बोला, नहीं सुनेला, माइक है ना, माइक में धीरे से बोलबा तो अभी जोर से सुना। अरे बाप रे बाप, ओहो हो, देखा रंजना जी है, बड़ा गुस्सा आ चली। गुस्सा नहीं जाबा, देखा हम लोग जा रहे प्रोग्राम में, हमारे सिस्टर है, ये भी हमारे सिस्टर है, सब लोग एक जगह मुलाकात हो गया प्रोग्राम के जरिए। कैसा लगा रहे? बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर, इनके साथ में ना एक रील बनाई हूँ। बढ़िया से इनके पे फोकस करी, जिनसे बात कर रहा हूं तो फोकस करी। हां, मिलकर ना बहुत अच्छा लगा, साथ में रील बनाई है रंजना जी के साथ। मिलकर साथ में रात में भी रहिएगा क्या? नहीं, अपने अपने रूम पे चली जाऊंगी। साथ में रह लीजिए रंजना जी। नहीं, हम लोग चली जाएंगे रूम पे, काम है सुबह में मेरा। क्या लगा, क्या इनके अंदर अच्छाइयां देखा? ये ना बहुत अच्छा वीडियो बनाती हैं, रील्स बनाती हैं, इनका पॉपुलर वीडियो आता है, रील्स अच्छा अच्छा आता है। इनका कौन सा वीडियो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? हर वीडियो अच्छा लगता है हमको, हर वीडियो देखते हैं। ज़्यादा कौन अच्छा लगता है, ज़्यादा जो वायरल हुआ? बलमुआ के बलम, बलमुआ के बालम तो वो तो ठीक है, लेकिन एक ऐसे ऐसे करती हूँ। हाँ, वो हिलाती हैं। हमको तो नहीं आता। के पास भी तो होगा, आप भी हिला दीजिए। हमको नहीं आता है हिलाने। नहीं नहीं, आप हिला दीजिए, दर्शक लोग नहीं आता। नहीं, कोशिश करिए, नहीं हिलाने आता। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, एक बार कोशिश करिए। बस ऐसे ऐसे हिलाती है।
देखिए अभी हिलाने की कोशिश कर रही है, हिलाने की कोशिश कर रही है। अंजना जी आएंगे और अभी आपसे कुछ सवाल भी करेंगे, भैया थोड़ा पकड़। रंजना जी हैं और जैसा कि रंजना जी आपकी वीडियो देखी हैं और कह रहे हैं कि ये आप समझ ही गई होंगी। ये देखिए 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 भैया देखिए, कलाकार होता है ना, हर कलाकार के अंदर एक स्पेशल टैलेंट होता है। हमारे अंदर कुछ है, इनके अंदर कुछ है, ये बड़ी बहन के अंदर कुछ है। और वाला टैलेंट जो बता रही थी वो चैनल वहाँ पे भले शादी करके लैला टच नहीं कर दे, मिली ना जवाब तबले दे नहीं धरे दे, कितना दिन ले चलेबा ये वारंटी लिख के दा, कमर डैमेज नहीं करबा हो गारंटी लिख के दा। शरीर डैमेज मत करियो, गारंटी देव तबे छुए दे। एगो बात बतावा रंजना जी, बहुत लोग जब किन्नर समाज के लोग देखेलन, हाँ मैडम थोड़ा सा फोकस करेंगी, लोग दर्शक आपको बड़ा प्यार से देख रहे हैं स्माइल के साथ। कुछ लोग होते हैं जो किन्नर समाज को थोड़ा सा देखते हैं और जानना चाहते हैं कि आप लोग के पास वो होता कैसा है, वो जानना चाहते हैं कि लोग जानना चाहते हैं, लोग अपना जाने हम लोग का ना जाने, हम लोग ही जड़े हैं, हम लोग एक शांतिप्रिय जीव हैं, हम ना ही किसी को परेशान करते हैं, वीडियो बनाते हैं, मेहनत करके कमाते खाते हैं, प्रोग्राम करते हैं ना बहन जी। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मरीन ड्राइव आकर इनके साथ मिले फर्स्ट टाइम रंजना जी के साथ, बहुत अच्छा लगा। ये होता है प्यार। देखे कहते हैं ना, तुम इंसानों में झगड़ा हो जाएगा पर हम किन्नरों में कभी झगड़ा नहीं, झगड़ा नहीं होता। और अगर हम किन्नरों में झगड़ा होगा भी तो हम दोनों आपस में सलाह कर लेते हैं। बाहरी कोई देखता है तो पूरे किन्नर एक साथ हो जाते हैं। गाना है जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, अभी गाना याद आ गया जो आप लोगों ने गले लगा ना, तो गनवा हमको याद आ गया, थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा तुम्हारा ऐसे, अगर न होते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा, ऐसे गाओगे ना कुल तो हाँ खिचड़े समझी। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा। एक दो सवाल कर लेंगे रंजना जी। कुछ लोगों के मन में कमेंट चलता है, जैसे हम तो इंसान होते हैं, आप लोग की शादी होती है या नहीं होती है, बहुत लोग जानना चाहते हैं। बता दीजिए, हम लोग की शादी होती है ना, जो अच्छा लड़का मिल जाए, अच्छा हम लोग का ख्याल रखे, उसके साथ पूरा जीवन यापन कर सकते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर शादी आप लोग कर भी लेती हैं तो फिर जो पति और पत्नी का जो रूल होता है वो आप लोग करते हो या फिर बच्चा पैदा कर सकते हो या नहीं कर सकते हो आप लोग, ये बताएंगे, बता दीजिए आप। रंजना जी आप देखिए, बच्चा हम ही नहीं, बच्चा कोई भी किन्नर नहीं पैदा कर पाएगी। रही बात शादी वादी करने की, तो जिसका जैसा इच्छा होता है वैसा वो करता है। देखिए इनकी शादी हो गई है, सिंदूर वगैरह लगा, इनके हस्बैंड भी खूब बहुत प्यारे हैं, जैसे वो खड़े हैं उनके जैसे खूबसूरत से प्यारे हैं। लेकिन कुछ लोग के मन में ये सवाल होता है, कहते हैं लोग कि जो साइंटिक्स है आज के डेट में जो वैज्ञानिक रूप है, कहीं ना कहीं उनका अगर सहयोग रहा तो बच्चे भी पैदा आप लोग कर। हाँ हो जाता है। देखिए उसके लिए ट्रांसप्लांट सर्जरी करवाना पड़ता है, एक बच्चा पैदा हो जाएगा वो भी ऑपरेशन से, इसमें बहुत निर्गत होती है, तो कौन अपने जान का मतलब उले, इसीलिए हम लोग नहीं करते हैं। अभी आपकी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें आपने साफ साफ कहा है कि जब शादी वगैरह होती है हम शारीरिक संबंध बनाते हैं तो इस तरह की, उसकी गाइडलाइन क्या होती है, कैसे क्या करते हैं आप लोग? इतना मनाई खड़ा के बताए? हाँ बिल्कुल, मनाई नहीं पूरा देश देख रहा है जी, बताना पड़ेगा। रंजना जी इधर देखिए, भागने नहीं देंगे आपको, इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। देंगे, भागना नहीं है, सवाल देना का सवालवा का जवाब दे के भागिएगा। कैसे शारीरिक संबंध बनाती हैं, कैसे बच्चा पैदा करती है? देखिए भैया हमारे कैमरामैन फोकस करिए इनके ऊपर, कैमरामैन फोकस करेंगे। हाय सच जागो न्यूज वाला बहुत सवाल करता है, उठाए के लहंगा लहंगा में भर लूंगी तो फिर याद आ जाएगा। नहीं रंजन जी, भुलवाने की और हड़काने की कोशिश नहीं करेंगे, बताएंगे, दर्शक लोग देख रहे हैं।
कैसे शारीरिक ऐसे पीछे से आपने एक वीडियो में बताया कैसे माइक फेंक देंगे रंजना जी बताएंगे एक वीडियो में आप बताई हैं छोड़ के माइक फेंक देंगे इस मामला का पर्दाफाश करिए आपने एक वीडियो में बताया यहाँ दर्शक लोग देख रहे हैं जानना चाहते हैं बताइए नहीं बताएंगे रंजना जी बताना पड़ेगा आप नहीं बताएंगे रंजना जी बताना आप हमारे घर आइए इंटरव्यू करिए वहाँ बताएंगे ऐसे रोड पे थोड़े नहीं बताएंगे लेकिन रंजना जी दर्शक लोग नाराज हो जाएंगे कमर कर दे बटलिन देखिए रंजना जी इस समय आप नाराज कर रही हैं और हमारे पूरे देश की जनता देख रही है आपसे नाराज हो रही है थोड़ा सा बता दीजिए शॉर्ट में क्या बता दें यार सब कोई पूछने का सवाल है ऐसे सवाल पूछते हैं जिसका कोई जवाब है नहीं लेकिन आपने पर्दाफाश क्यों किया दूसरे वीडियो में देखिए रंजना जी इस समय गुस्सा गई हैं रंजना जी गुस्सा के करे कि घर के कोठरी में आएंगे तो अकेले बताऊंगी कोठरी में अकेले बताएंगी कब बताएंगी बताइए कोठरी में भी इंटरव्यू लेंगे चलिए देखिए रंजना जी भाग चुकी हैं इनका कोठरी में हम इंटरव्यू करेंगे कोठरी में यानी एक बंद कमरे में इंटरव्यू देंगी और साफ साफ बताएंगी कि हम कैसे करते हैं शारीरिक संबंध क्या भाई भाग गई ना कैसे करते हैं बच्चा पैदा कैसे करते हैं देखिए भाग चुके हैं आराम से गाड़ी पे देखिए इस समय रंजना जी कैमरे से बाहर हो गई हैं और इनसे हम एक बंद कमरे में बात करेंगे किस तरह से बच्चा पैदा करेंगी तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे रंजना जी को देखने के लिए ये लोग पहुंच चुके हैं ये भी एक यूट्यूबर है बड़ी यूट्यूबर है आपको आपका चैनल का नाम क्या है देखिए रंजना जी के साथ इतने लोग जुड़ गए हैं देखने के लिए रंजना जी कैसी लगी आप लोगों को रंजना जी का व्यवहार कैसा लगा लेकिन बच्चा पैदा करने वाला पूरा मामला नहीं बताई कोठरी में कब जाएंगे बताइए अकेले नहीं जाएंगे डर लग रहा है आपको भी चलना पड़ेगा अरे भैया हम अकेले कोठरी में बुला रही है रंजना जी अकेले कोठरी में बुला रही है भाई हम कैसे जाए डर लग रहा है ए भैया हेलो भैया बिहार की धरती से आप रंजना जी अकेले कोठरी में देंगी इंटरव्यू किसको आपको देंगी अरे भैया वो तो बोल रही हैं भैया रंजना जी बोली हैं कि अकेले एक रूम में देंगे वो इंटरव्यू सबके सामने नहीं देंगे क्या कहना चाहिएगा रंजना लिखे रंजना जी के लिए एक शब्द भैया कुछ कहना चाहेंगे फोन पे भेजिए रंजना जी से किनसे बात कर रहे हैं बात किससे कर रहे हैं जल्दी बताइए गर्लफ्रेंड से गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं आप देखिए साथ आप खुलासा हो गया है देखिए खुलासा हो गया फोन काट दिए रंजना जी का व्यवहार कैसा लगा कैसा लगा अच्छी लगा हिला रही थी वो कैसा लगा मस्त लग रहा अच्छा चले बहुत बहुत धन्यवाद शुभकामना आप लोगों को बिहार के भाइयों को जय बिहार जय समाजवाद बिहार के सभी भाइयों को धन्यवाद है सच न्यूज जागो के टीम के तरफ से बहुत बहुत बधाई जो आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया और रंजना जी से मिलने की कोशिश की रंजना जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया आप लोगों ने थैंक यू धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।